जो प्यार जो दुआएं पिछले वीडियो में दिए वो आप, वो मेरे लिए कई लाखों करोड़ों से भी ज्यादा है, ताकि कभी मैं यकीन भी नहीं कर सकता हूं कि उतने सारे लोग उतना प्यार उतने दुआएं देंगे कहकर। तो उनके लिए सिर्फ थैंक यू बोलना बहुत छोटी चीज होगी शायद मेरे ख्याल से, फिर भी थैंक यू सो सो मच उतना प्यार उतने दुआएं देने के लिए। अभी मैं फिलहाल घर आ गया हूँ और हम सब घर आ गए हैं, यहाँ पर विकाराबाद में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाकर घर ला लिए, ताकि वहाँ पर ठीक तरह से हैदराबाद में इलाज नहीं हो रहा था। अभी अभी मतलब थोड़ा सा रिकवर है, थोड़ा सा पूरा दर्द चले जाए ना पूरा दर्द, और भी बहुत खुशी होगी मेरे लिए। ताकि अभी वो वीडियो में पिछला जो वीडियो अपलोड किया हूँ वो वीडियो को देखकर बहुत सारे भाई अमाउंट भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरे भाई देखिए मुझे मेरी मेहनत से जो पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा खुशी होती है। ताकि पैसे हर किसी को यूज़ होते हैं, जो आप सेंड करना समझ रहे हो मुझे पैसे, वो आपको भी ज़रूरत हो सकती है, यानी आपके भी खर्चे रहेंगे कुछ भी रहेगा। इसीलिए जो पैसे मेरी मेहनत से आते हैं मुझे वही ज़्यादा खुशी देते हैं दोस्त। इसीलिए अभी मुझे पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत बहुत काफ़ी है दोस्त। इसीलिए वो वीडियो को प्राइवेट कर दिया हूँ, ताकि बहुत सारे भाई पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दुआ करिए, आपकी दुआई मेरे लिए बहुत काफ़ी है दोस्त। अभी तो थोड़ा सा रिकवर है दोस्त, और भी रिकवर होना है, प्लीज़ दुआ करिए प्लीज़। चलो फिर अभी आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जो 50 मुर्गियाँ देख रहे हो दोस्त, 55 है टोटल, 50 मुर्गियाँ और 5 मुर्गे मिले हुए हैं इसमें। तो आप लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है बात ये बताऊँगा, देखिए। और इन्हें मैं भी कल शाम 8 to be वैक्सीन करेंगे, सब ठीक ठाक हुए तो। वो वाली मुर्गी को देखिए वहाँ पर एक बार, छोटे बच्चे के पास दिखेगी आपको, जूम करके दिखा दूँगा। यहाँ पर इतना ही जूमिंग है, वो मुर्गी गर्दन किस तरह से एक जगह करी है, वहाँ पर गर्दन देख रहे हो आप, जैसे कि ये काली वाली मुर्गी पार्ट दिख रही है आपको, वो किस तरह से ठहरी है और ये किस तरह से ठहरी है। आप जब खरीद रहे हो ना, इस तरह की नहीं लेना है आपको, इसकी वजह से दूसरों को भी बीमारी आ सकती है। इसीलिए इसे अगर से आप बाई मिस्टेक ले भी लिए हो ना, तो सेपरेट पार्टीशन में डालना है, अलग से पार्टीशन में। यहाँ पर इस तरह का अलग पार्टीशन हो आपके पास तो ये पार्टीशन में डालना है, और जा इसको पेपर मार देना है इधर पूरा पूरा सा। और यहाँ पर एक बच्चा है, ये भी देखिए थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, तो इस तरह से कमज़ोर बच्चों से दूर रखना है थोड़ा सा, वो वाले बच्चों से। अंडे भी देखिए एक बार किस तरह के कौन से साइज में है। देखिए पहले जो अंडे रहते हैं एकदम छोटे साइज के रहते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, जो मुर्गियाँ आपको दिख रहे हैं एकदम छोटे मुर्गियाँ, यानी इसमें से 70% तो मुर्गियाँ, यानी 50 में से 30 मुर्गियाँ तो एकदम छोटे, 5 महीने के जैसे, 5 से 6 महीने के बीच में प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी, 6 से 8 महीने का टाइम भी लगाती है अंडा देने के लिए। जब आप एकदम छोटी मुर्गी लोगे ना, 5 महीने की या 5 महीने से कम, 4.5 महीने की इस तरह की लोगे, तो वो अंडे देने के लिए 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। तब क्या होगा, आपको बिजनेस स्टार्टिंग में रहे जब नर्वस फील होगी, ताकि हमारे पास इतने मुर्गियाँ अंडे ही नहीं निकल रहे कहीं कर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 6 से 8 महीने के बीच की मुर्गी लेना है। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगी भाई कहकर पूछ सकते हो, तो आपको मुर्गियाँ देखना है, मुर्गियों के वीडियोस देखना है आपको, देखकर पहचानना है, ताकि बुड्ढी मुर्गी जो रहती है उसके फेस में दिख जाएगा आपको, जैसे कि एज ज़्यादा रहना, और जो उसके पैर भी देखोगे ना समझ जाओगे, शोर ज़्यादा चल रहा है डॉग्स का पीछे। तो अभी यहाँ पर एकदम अच्छे, मतलब उतना भी बुरे नहीं है मुर्गियाँ। तो लेते समय आपको रानीखेत नहीं आए जैसा, रानी आर टू बी वैक्सीन करना रहता है, लेकर आप कर ले सकते हो। अभी 55 है ना, तो ये 55 को हम आर टू बी वैक्सीन करेंगे, वैक्सीन कर आपको दिखाएंगे मे बी कल, सब ठीक ठाक से रहे ना। मतलब कि पता है ना आपको, पिछले वीडियो में बताया हूँ कि जल्दी से सब रिकवर हो जाए, अच्छे से रहे, तो कल ज़रूर आर टू बी वैक्सीन करेंगे हम।
आपको दिखाएंगे आर टू बी वैक्सीन किस तरह से कर रहे हैं, ताकि आर टू बी वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्त। अभी जो स्पेशली गर्मी का मौसम आता है ना, गर्मी के मौसम में बिल्कुल आर टू बी वैक्सीन पक्का करना है आपको, ताकि गर्मी के मौसम में ही जो रानीखेट यानी एनडी कहते हैं, आरडी डिसीज कहते हैं, ये डिसीज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए वैक्सीन आर टू बी वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। दिखाऊंगा मैं कल किस तरह से कर रहे हैं। आपको मुर्गे भी जब ले रहे हो दोस्त, वो मुर्गे 8 महीने के रहना देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी ये 5 से 6 महीने के बीच का मुर्गा दिख रहा है, ये यानी क्रॉस नहीं होगा, दूसरे मुर्गियों पे फैलेगा नहीं, इसीलिए आपको जब भी मुर्गे लेते समय 8 महीने के या 10 महीने के मुर्गे भी ले सकते हो, अच्छे से रहेंगे ताकि वो क्रॉस करते रहते हैं, मुर्गी को पकड़ने भी अच्छा आता है उन्हें, छोटे मुर्गे रहे तो आदत करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 90% मुर्गे क्रॉस नहीं होती, सो मुर्गे ही बहुत सारे छोटे दिख रहे हैं, मुर्गियाँ भी बहुत सारे छोटे, बट इससे फ़ायदे भी है दोस्त, आगे जाकर फ़ायदे रहते हैं, यानी आपके पास कुछ बजट अमाउंट में थोड़ा ज़्यादा होना, आगे जाकर ये बहुत काम आ सकते हैं। ताकि ये देखिए सडनली सब एक ही बार, मतलब कि 8 महीने जब हो जाए ना इनके, जब एक प्रोडक्शन अच्छे से मिलेगा, यंग मुर्गी रहेगी, और क्या है, ज़्यादा यंग मुर्गी बीमार भी नहीं होती है उतना, तो अभी एक भी मुर्गी इसमें से बीमार निकली है ना, तो उसे देख लीजिए, देख कर सेपरेट पार्टीशन में ले जाइए, ले जाकर मेडिसिंस करिए उसे। मेडिसिंस नहीं है आपके पास तो एंटीबायोटिक लेक्सिन पाउडर का पानी 3 दिन तक अच्छे से पिलाइए, पिलाकर उसके साथ थोड़ा सा विम्रोल भी दीजिए उसे, ताकत के लिए विम्रोल देकर आप इलाज कर सकते हो वो मुर्गियों के पास। दूसरे मुर्गियाँ अच्छे फ्रेश मुर्गियाँ मत जाने दीजिए, ताकि उस उनकी वजह से इन्हें भी आता, इसीलिए इस तरह से इलाज कर लीजिए, और खाने में अच्छे से दाना फीड खिलाइए, एकदम परफेक्ट रहेगा दोस्त। कल का वीडियो आर टू बी वैक्सीन का रहेगा दोस्त। जब भी वैक्सीन करते हैं हम, इवनिंग के टाइम पे करना है या नाइट के टाइम में करना है या मॉर्निंग के टाइम, ठंडे वेदर में करना है, वो दिखाऊंगा मैं आपको कल किस तरह से हम वैक्सीनेशन करते हैं। कहकर ऑलमोस्ट 99% कल वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे, अगर से बाई मिस्टेक नहीं आया है वो तो, एक मुर्गी के साथ 42 चिक्स अपने किस तरह से संभाल रही है ये दिखाएंगे। एक बार वो मुर्गी को भी देखिए किस तरह से। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, ये वाली मुर्गी के पास काफ़ी बच्चे हैं, कल के वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में सब बच्चों को गिनते हैं, गिनकर आपको दिखाएंगे इतने सारे बच्चों को किस तरह से इसे पाल रहे हैं, किस तरह से संभाल रही है ये मुर्गी, कहकर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा मैं किस तरह से पालना है। कहकर मुझे बहुत सारे काम करना है दोस्त, यानी मुझे बहुत सारे गरीबों की मदद भी करना है, वो किस तरह से करना है मैं ऑलरेडी स्केच डालकर रखा हूँ। मेरा पहला कदम रहेगा कि रोज़गार किस तरह से खुद बना सकते हैं जो गरीब भाई, वो समझाऊंगा, वो दिखाऊंगा, जब हम मैं करूंगा तब मुझे वो फॉलो करेंगे तो और भी आसानी होगी उन्हें करने में। ताकि मेरे वीडियोस का मकसद एक ही रहता है कि इम्पोर्टेंट रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, लोगों को यूज़ हो मेरे टॉपिक, ये तो अभी मेरा मकसद यही है कि पहला मकसद लोगों को, गरीब लोगों को वो खुद से रोज़गार किस तरह से बना सकते ये दिखाना।